क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी आत्म परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी आत्म परिचय कुछ उसमें से पढ़ा था, जो और भी कुछ उसमें बाकी था। आज हम लोग जो बाकी था उसको पढ़ेंगे और पूरा करेंगे उस कविता को, ठीक है? तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह अपनी जवानी के मस्ती में घूम रहा है और इस मस्ती में निराशा भी है। वह अपने दुख को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि वह अपने प्रिय से बिछड़ने का दुख महसूस करते हुए हमें यह कह रहा है कि अपने प्रिय से बिछड़ने का जो दुख अपने मन में लिए हुए हैं, दुनिया के सामने हंसता रहता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मुड़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि जो ज्ञानी लोग हैं, विद्याता का अहंकार भर गया है और यही अहंकार उनकी अज्ञाता का प्रतीक भी है। यह बात जानते समझते हुए भी यह संसार मूर्ख ही कहलाएगा, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम कभी नहीं टिक सकता। दूसरा पद पढ़ेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितना जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि वह संसारिकता की ममता से बिल्कुल दूर है और अपने आप को दुनिया से अलग बताते हैं। वह कहते हैं कि मैं अपनी ही दुनिया में बनाता और बिगाड़ता हूँ और इसे इस दुनिया के भौतिक सुखों से कोई मोह नहीं है, और उन्हें इस दुनिया के भौतिक सुखों से कोई भी मोह नहीं है, अर्थात उसे दुनिया के भौतिक सुखों से कोई लेना देना नहीं है। उसे किसी सुख वैभव की इच्छा भी नहीं है, वह तो इन सुखों को ठुकराते हैं। दूसरा पद पढ़ेंगे। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वह अपनी करुणा में प्रेम और अपनी शीतल स्वभाव में परिवर्तन की ज्वाला लिए फिरता है। वह कहते हैं कि जो उनके पास टूटे फूटे प्रेमों की भावना है, जो राजाओं के महलों से भी कहीं ज्यादा है, और कवि अपने इस प्रेम को बचाए रखने के लिए ऐसी सभी भौतिक सुखों को त्याग सकता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि जब मैं अपने मन की व्यथा सुनाता हूँ, तब तुम कहते हो मैं गाना गा रहा हूँ। कवि कहते हैं कि मुझे इस संसार में कवि की पहचान से पहचानना, यह मैं नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी पहचान एक नया दीवाने की तरह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रेम में मग्न और उसी की मस्ती में मग्न हूँ। अगला पद पढ़ेंगे। मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झूम लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अर्थ है, कवि कहते हैं मैं दीवानों की तरह घूम रहा हूँ और यह दीवानापन मेरे प्रेम ने दिया है, और मेरे अंदर प्रेम की मादकता आ गई है, और मैं चाहता हूँ
कि मैं इस प्रेम भाव से ही झूम झूम कर दीवानों की तरह इस संसार में घूमूं और हमेशा मस्त रहूं, और यही संदेश दुनिया को भी दूं कि दुनिया के लोग एक दूसरे से ना ईर्ष्या करके एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना को बनाए रखें। बच्चों, इस आत्म परिचय को आप लोग एक बार और पढ़िएगा। आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और ये पूरा पाठ खत्म हो गया आत्म परिचय का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।